नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से पहला पाठ, जिसका नाम है नमक का दरोगा। और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिसको आप सभी जानते होंगे, जो कहानी के लिए और उपन्यास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कहानी का या उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। और उनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्भई गांव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है, और निधन उनका 1936 ईस्वी में निधन हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहले हम उपन्यासों के बारे में जानेंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, कायाकल्प। तो ये इनके 8 उपन्यास हैं। और एक जो और उपन्यास जो इनका अधूरा रह गया था, जिसको इनके पुत्र ने पूरा किया, मंगलसूत्र, जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने इनको उस उपन्यास को पूरा किया था। कहानी संग्रह है इनके, यानी मानसरोवर के 8 भागों में इनके कहानी संग्रह हैं, और इसमें 300 से अधिक कहानियाँ हैं। यानी इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। इनको कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। और एक है गुप्त धन, और इसमें 300 से अधिक जो कहानियाँ हैं, ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो उनकी इस पे ग्रामीण परिवेश पे सामाजिक यथार्थ के रूप में, यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। और फिर इनके 3 नाटक भी हैं, 3 नाटकों की इन्होंने रचना की थी, जिसमें हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। तो इनके 3 नाटक हैं। और इन्होंने कुछ निबंध संग्रह भी लिखे हैं, जिनके नाम हैं कुछ विचार और विविध प्रसंग। तो ये उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनके इस पाठ में लेखक ने कुछ जो प्रशासनिक और अधिकारियों के जो अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके ऊपर जिक्र किया गया है। और जो नमक है, क्योंकि पाठ से ही हमें पता लगा है कि नमक का दारोगा, यानी नमक के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, कि जो नमक है इधर से उधर ले जाना गैर कानूनी था, उस पर पाबंदी लगी हुई थी, फिर भी बहुत सारे लोग चालाकी से या किसी कारण भी घूस वगैरह देकर भी नमक का व्यापार करते थे। तो वो कहानी यहाँ पर ली गई है। और उसके 2 मुख्य पात्र हैं, एक तो मुंशी ये अलोपीदीन और दूसरा है वंशीधर। तो ये 2 हैं इसके मुख्य पात्र हैं। सबसे मुख्य पात्र वंशीधर को माना जाता है, क्योंकि सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं पाठ के कुछ मुख्य अंश, तो वो है नमक विभाग। सबसे पहले पाठ जब हम शुरू करते हैं तो नमक पर ही आधारित है। तो नमक जो विभाग है, वो नया नया जो विभाग बनता है उसमें, यानी नमक को गैर कानूनी माना जाता है, कहीं भी इधर उधर ले जाना, उसका व्यापार करना तो गैर कानूनी था। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो व्यापारी लोग थे, जिसकी पहुँच ऊपर तक थी, अधिकारियों तक थी, बड़े अधिकारियों तक वो खरीद लेते थे, वो नमक का व्यापार करते थे। और इस में रिश्वत बहुत अधिक मिलती थी, पैसा बहुत अधिक इसमें मिलता था। बहुत जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी अपने उस पद को छोड़कर नमक विभाग में काम करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर आय बहुत अधिक थे। तो जो वकील लोग थे या जो पटवारी गिरी का जो पद था, उसे जो सम्मानित पद थे, उनको छोड़कर भी लोग नमक विभाग में आना चाहते थे। और फिर था ये पिता का अनुभव, यानी यहाँ जो वंशीधर है, उसके पिता जब वो नौकरी उन्हें मिल जाती है और उसमें से जो चुनाव करना है नौकरी का, तो वो कहते हैं ऐसे नौकरी का चुनाव किया जाए जिसमें ऊपरी आय हो, यानी इसमें पद और ओहदे को न देख कर जिसमें आमदनी अधिक हो या ऊपरी आय हो। और उन्होंने यहाँ तक भी अपना अनुभव बताया कि जैसे पूर्णिमा का चांद,
एक बार दिखाई देता है, यानी महीने में एक बार वो दिखाई देता है और धीरे धीरे वो घटता घटता लुप्त हो जाता है। तो जो मासिक आय है वो भी ऐसे ही है, यानी महीने में एक बार आती है और धीरे धीरे घटकर वो लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये तो इसलिए कहते हैं कि भाई इसमें ओ दे का ध्यान न रख के ऊपरी आय पर तुम्हें ध्यान देना है। तो उसने, वंशीधर ने अपने पिता के जो अनुभव थे वो सुने, लेकिन उन्होंने अपने पिता के अनुभव पर न जाकर अपने मन की सुनी, क्योंकि उनको ईमानदारी पर या अच्छे कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति थे, तो उन्हें अपने मन की करनी चाहिए। और उन्होंने नमक विभाग में दारोगा का पद मिला, जिसको उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य कुशलता से उसको निभाया। यानी कुछ महीनों में ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के मन को भी जीत लिया था, क्योंकि वो बहुत ही कार्य कुशल व्यक्ति थे, अच्छे कार्य किए, रिश्वत वगैरह नहीं लेते थे। तो वो जो लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो भी उनकी प्रशंसा करते थे, वो भी उनको अधिक चाहने लगे थे। तो एक दिन जाड़े का समय था, और काली अंधेरी रात थी। तो दारोगा जी थे और जो उसके साथ रहने वाले पुलिस अधिकारी थे या जमादार था, जो भी उसके साथ थे, सब रात को सोए हुए थे। तो रात को जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ से नदी 1 किलोमीटर या 1 मील की दूरी पर ही थी, तो वहाँ से जल के प्रवाहित होने की या बहने की आवाज़ आती रहती थी, लेकिन उस समय गाड़ियों की खड़खड़ाहट की, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, मल्हारों की आवाज़ आ रही थी। तो उसने सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और वो इतनी रात को ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं और किसकी गाड़ियाँ हैं। उनके अंदर ये शंका उत्पन्न हुई, संदेह, ये भ्रम उनका अंदर पैदा हुआ, और उन्होंने शीघ्र ही अपनी वर्दी पहनी, घोड़ा लिया और वहाँ नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यमुना नदी से बहुत सारी गाड़ियाँ, यानी यमुना नदी को पार कर रही हैं। यमुना नदी पर जो नाव के का पुल बना हुआ था, नाव से पुल बनाया गया था, उससे वो गाड़ियाँ गुजर रही थी, जिससे दूर तक उन गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी वालों से पूछा कि ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं और किसकी गाड़ियाँ हैं। तो वे कुछ समय के लिए चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बार बार पूछा, यानी जोर से कहा या गुस्से में भर कर कहा कि तुम क्यों नहीं बताते ये गाड़ियाँ किसकी हैं। तो फिर उन्होंने, एक गाड़ीवान ने बताया कि ये पंडित अलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं। तो पंडित अलोपी दिन कौन? तो उन्होंने शीघ्र ध्यान आया कि ये तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसको सब जानते हैं और छोटे से बड़े तक लेकर सभी उसी के ऋणी हैं, और ये बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं, और फिर भी ये इतना रात को गाड़ियों कहाँ लेकर जा रहे हैं। फिर उसने गाड़ी वालों से फिर प्रश्न किया कि ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा ये नदी पार करके आगे जा रही हैं। तो फिर कहा कि आपका इन मालिक कहाँ है? तो उन्होंने तुरंत वहाँ जाकर अलोपी दिन को जगाया, कहा महाराज कि गाड़ियों को रोक दिया गया है, कोई दारोगा वहाँ पर आया हुआ है। तो उसने कहा कि भाई सब कि मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि उसको अपनी लक्ष्मी पर यानी धन पर बहुत घमंड था, अभिमान था। तो वो कहता था कि धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है, इस संसार में ही नहीं, धन की तो स्वर्ग में भी इतनी ही चाह होती है। तो उसका यही मानना था, यही घमंड उसके अंदर भरा हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि दारोगा जी खड़े हैं। उसने अपने मुख्तार से कहा, मुख्तार मतलब जो मुंशी वगैरह हैं, उसका जो पैसे का लेन देन वगैरह करते थे, तो उनसे कहा कि साहब को 1,000 का नोट दे दो। तो उसने कहा 1,000 क्या, 1 लाख रुपए भी मैं नहीं लूँगा। तो उसने फिर कहा कि इसे 5,000 दे दो।
पाँच के बाद फिर भी नहीं माने, 5 से 10 यानी धन की बारिश होने लगी, यानी धन का जो 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 यानी 25 तक की भी उन्होंने वहाँ पर कहा कि आप 25 तक ही ये हिसाब किताब कर लें, आप ही मेरी सरकार हैं, आप ही मेरा हुक्म है। लेकिन वंशीधर अपने निश्चय पर अड़े रहे, क्योंकि मैं वो कहने लगे कि मैं सरकारी हुक्म का पालन करता हूँ, यानी मैं रिश्वत नहीं लेता, जो तुम चाहते हो वो अब होने वाला यहाँ नहीं है। तो उन्होंने बार बार कहा, लेकिन वो बार बार पैसे अधिक बढ़ाते रहे कि वो मान जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लक्ष्मी पर बहुत ही भरोसा था, तो उसके बाद अंत में कहा कि तुम 25 में नहीं मानते तो 30 के बाद फिर भी नहीं माने तो उन्होंने कहा 40,000। तो फिर वो फिर भी कहा 40,000 क्या, 40 लाख रुपए भी तो तब भी ये यहाँ से गाड़ियों का पार करना असंभव है, तो तब भी वो नहीं माने। तो फिर कहते हैं अपने जो जमादार थे बदलू सिंह कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तो उनको गिरफ्तारी के लिए कह देते हैं। लेकिन वो हिचकते हुए बदलू सिंह उसके पास जाते हैं, लेकिन जब उसको हथकड़ी लिए हुए हट्टा खट्टा व्यक्ति वहाँ आते हुए देखा, तो आलोपी दीन ने अपने 3-4 कदम पीछे हटाए और कहा, सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, आप ऐसा मत कीजिए, आप जो चाहें जितने पैसे चाहें मुझसे लीजिए, लेकिन मेरी इज्जत को बदनाम न होने दीजिए। तो वो इस तरह गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, और आलोपी दीन को बदलू सिंह थे वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब ये समाचार सुबह सबको गांव में शहर में जब पता लगता है, सब हैरान रह जाते हैं, सब आलोपी दीन के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, अनेक तरह की बातें बनाते हैं कि वो इतना अच्छा था, अब ऐसा काम कैसे कर दिया, वो कैसे सरकार की पकड़ में आया, कैसे कानून के हिरासत में आया। तो इस तरह के अनेक तर्क वितर्क वहाँ पर लोग करते हैं, और फिर वो अदालत में पहुंच जाते हैं, तो अदालत में न्याय भी उनको नहीं मिलता वंशीधर को, क्योंकि वो पहुंचे हुए व्यक्ति थे, सभी अधिकारी सभी वकील उसके कब्जे में थे, क्योंकि उनके पास धन था, तो धन के लालच में सभी लोग फंस जाते थे और सभी को वो खरीद लेते थे। उन्होंने सभी वकीलों को खरीद लिया, यहाँ तक कि जज को भी खरीद लिया, और उनके पक्ष में न्याय नहीं हुआ। तो यहाँ भी वो वंशीधर निराश हो जाते हैं, और उनको एक सप्ताह के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाता है, और फिर वो घर आते हैं। उनके पिता को जब पता लगता है कि इन्होंने रिश्वत न लेकर अच्छा नहीं किया, तो वो उनको भला बुरा कहते हैं, यहाँ तक कि उनको कहते हैं कि ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद ही अच्छा है, तो ऐसे शब्द भी वो कहते हैं। लेकिन कोई भी उनसे घर में ना पिता ना माँ ना बच्चे ना उनकी पत्नी, कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करता, तो सब वो दुखी अकेला पड़ जाता है, दुखी हो जाता है आलोपी दीन का वंशीधर के घर। और फिर एक सप्ताह बाद जब उसकी नौकरी छूट जाती है, तो एक सप्ताह बाद आलोपी दीन वंशीधर के घर आते हैं। शाम का समय होता है और उसके पिताजी जो वृद्ध वंशीधर हैं वो वहाँ पर अपने घर के अंदर बैठे, यानी आंगन में राम का जाप कर रहे होते हैं। तो उसी समय वो हरे और गुलाबी पर्दों से या सजीले रथ में बैठकर सिपाहियों सहित वहाँ पर आते हैं, और वंशीधर जो वृद्ध वंशीधर है उसको प्रणाम करते हैं। और जब वृद्ध वंशीधर उनको देखते हैं, तो उनसे क्षमा याचना करते हैं कि जो मेरा पुत्र है वो बहुत ही अभिमानी है, उदंड है, या उसको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत उसको समझाया था लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं माने, तो आप हो सके तो उसको माफ़ कर दीजिए। फिर वंशीधर से प्रार्थना, तो
जब वंशीधर वहाँ उसके पास लोपिदिन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये मुझे अब बुरा भला कहने के लिए या मेरी बेइज्जती करने के लिए या मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ आए होंगे, तो वो थोड़ा सा संकुचा जाते हैं। लेकिन जब उसके पिता की और लोपिदिन की जब वो बात सुनते हैं, उसके स्नेह भरे या वात्सल्य भरे जो शब्द थे लोपिदिन के, वो सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और उनका जो गुस्सा था वो भी शांत हो जाता है। और वंशीधर से लोपिदिन प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप ने जो प्रार्थना मैंने नदी के किनारे की थी उसको आपने स्वीकार नहीं किया। अब मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं इस घर से लौटकर नहीं जाऊँगा। तो ऐसे जो शब्द थे, ऐसे वचनों को सुनकर ये वंशीधर हैरान रह जाते हैं कि एक दिन तो ये मुझे ऐसे लक्ष्मी का या धन का लालच देकर पैसे को के अभिमान से भरे हुए व्यक्ति थे और आज मुझे, क्योंकि आज मेरे पास वो पद भी नहीं है, फिर भी मुझसे इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं। और वंशीधर फिर कहते हैं कि मैं आपको अपनी पूरी जायदाद का स्थाई मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए कुछ शब्द यहाँ पर वंशीधर कहते हैं कि जो कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप वही नदी किनारे वाले वंशीधर का ही रूप रखिए जो बेमुरावत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ, जो दारोगा का आपका जो रूप था, स्वभाव था, वही भगवान आपके पास हमेशा रखे, वही मैं चाहता हूँ। लेकिन ऐसे वचन सुनकर कि मैं तो इतना विद्वान भी नहीं, मेरे पास इतना अनुभव भी नहीं, तो मैं ये पद कैसे स्वीकार करूँ? तो कहता है मुझे ना ही आपका विद्वत्ता चाहिए, ना ही आपका अनुभव चाहिए, मुझे तो आपका वो धर्मनिष्ठ या ईमानदारी जो आपकी है वही चाहिए, वो ही मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ये पद स्वीकार करें, इससे आप मना न करें। और अंत में उनको वो जो इतने पैसे के अभिमानी थे लोपिदिन, अंत में वंशीधर के सामने झुक जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनको अपना जायदाद का स्थाई मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं। और ईमानदारी की अंत में जीत होती है, क्योंकि बहुत कठिनाइयां उसके जीवन में, वंशीधर के जीवन में आई, लेकिन यहाँ पर धन पर धर्म की ही विजय हुई, क्योंकि धन अंत में हार जाता है। क्योंकि पैसे था अलोपिदिन के पास, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो मन को वो कचोटता रहा, कहता रहा कि ऐसा कोई भी अधिकारी या कोई भी बड़े पद पर आसीन जो अधिकारी हैं या यहाँ भारत में रहने वाले लोग हैं, तो वो मैंने आज तक ऐसे नहीं देखे। सभी को मैंने पैसे देकर खरीदा, खूब व्यापार कराया, लेकिन ऐसा ईमानदार व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। तो यहाँ अंत में प्रेमचंद जी ने ये अनेक जो भ्रष्टाचार या प्रशासनिक जो चीज़ें हैं या अदालत में न्याय न मिलना, ये सारी चीज़ें दिखाते हुए भी अंत में वो अच्छाई को प्रस्तुत करते हैं, अच्छाई का संकेत यहाँ पर देते हैं कि जो अच्छाई होती है उसकी हमेशा जीत होती है और बुराई हमेशा हार जाती है। और धन के अभिमान में भरा व्यक्ति भी अंत में झुक जाता है, तो वो धर्म पर ही विजय प्राप्त होती है। और यहाँ वंशीधर अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी अंत में प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी नमक का दारोगा जो कहानी थी, तो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताई।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसलिए आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवारजनों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।